कितना चिल्लाना चीखा, कोई सुनने वाला है? जा। बहुत परेशानी बनती है ना तू दर्पण। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया, और तुझे क्या लगता है तो छोटे से सॉरी से मैं तुझे माफ कर देगी? नहीं, भाई बहन के बीच में तूने फूट डाला दर्पण। अब मैं देखती कि तू अपने भाई से कैसी मिलती। तुझे एनिमल से बहुत लव है ना दर्पण? चूहों से? उंदीर से तू कितना प्यार करती है रे, प्रसाद भी खिलाती है ना? नहीं नहीं शेखू बुआ, मैं तो तूने मुझे थप्पड़ दिलाया दर्पण, पर रिटर्न गिफ्ट में मैं तुझे एक स्पेशल गिफ्ट देगी। दिखाती तुझे। भग दर्पण भग। और बाल एक प्रॉब्लम है माइतिका, इसने कुछ खाना नहीं खाया है। या तो तू उसे खाना खिला दे, या तो तू इसका प्रसाद बन जा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी कभी भी।
दिनेश, तू आ गया वापस। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि शायद तू भी मुझे छोड़ के चला गया। थैंक यू कनू साहब, आपने मेरी बात मान ली। जो लोग रिश्तों को नाम देते हैं, दायरा देते हैं, वो इस रिश्ते को क्या कहेंगे? ना ये खून का नाता है, ना नस्ल का, ना भाषा का, मगर भाई बहन के प्यार का इतना गहरा बंधन कभी किसी ने नहीं देखा होगा। बताए गणेश, मुझे वापस लाने के लिए मैं रोज कनू साहब से प्रार्थना करती थी, ने याद दिलाती थी कि तुझे उन्होंने ही भेजा था मेरा भाई बनाकर। और गणेश, भाई बहन तो हमेशा साथ रहते हैं ना, वैसे जैसे भाई भाई साथ रहते हैं, जैसे लव और कुश, जैसे राम और लक्ष्मण, अगर ये सब एक साथ रह सकते हैं तो दर्पण और गणेश क्यों नहीं? गणेश, अब हम दोनों को एक दूसरे की देखभाल खुद करनी होगी। आई हमसे दूर चली गई है, वो आसमान में एक स्टार बन गई है, और पापा तो एक सुपरमैन जैसे हैं। उनको बहुत सारे लोगों की हेल्प करने जाना होगा, इसलिए वो भी हमसे बहुत दूर चले गए हैं। इसलिए हम दोनों को अब से हमेशा साथ रहना है। तू मेरी छोटी सी बात पे इतना बुरा मान गया और मुझसे दूर चला गया? अगर तू मेरे से इतना दिन दूर रहेगा तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? अब तू मुझसे प्रॉमिस कर कि दर्पण और गणेश अब से हमेशा साथ रहेंगे। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, हम कभी दूर नहीं जाएंगे, ठीक है? सॉरी बोलने के लिए अपने सूंड और घुटनों पर बैठा रहेगा तो हड्डियों में दर्द हो जाएगा। उठ जा, कर दिया तुझे माफ। लेकिन गणेश, अब से तू कभी भी मुझे छोड़ के गया ना तो मैं तेरे कान खींच खींच के और लंबे कर दूंगी। आंटी, ये मेरा छोटा भाई है गणेश। इसने गलती कर दी थी तो सॉरी बोलने के लिए झुक रहा था। आंटी, आप मेरे गणेश को लाई हो ना, और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर आप इसे वापस भी लाती तो हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहते? मैंने कुछ नहीं किया है दर्पण, जो कुछ किया तुम्हारे भाई गणेश ने किया है। इसी को तुम्हारे मन की आवाज सुनाई थी, और तुम दोनों की दुआओं की वजह से यहाँ आने के बाद भी पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि तुम कहाँ हो। अपनी दीदी का प्यार खींच लाया उसे यहां।
सच कहूं तो आज पहली बार प्यार की ताकत देखी है। इस दुनिया में जहां इंसान इंसान से नफरत करता है, वहां तुम दोनों का ये अटूट रिश्ता प्यार की अनोखी मिसाल। अशाला दार बजावला। क्या आए भाई? कौन है? दर्पण, आखिर तो अपने भाई को ले जाए। कहाँ ढूंढा तूने इसे? कहाँ मिला तेरे को ये? नहीं कुछ नहीं दीदी, ढूंढा नहीं मैंने इसे। इसे तो गनू साहब ने भेजा है मेरे पास, मेरी हेल्प करने। इसी ने तो मुझे बचाया। अब मेरा भाई मेरे साथ यही रहेगा। तुझे क्या लगा ये घर है कि जानवरों का तबेला, कि कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर आएगा और अपना घर बसा देगा? ए लड़की, अपने इस जंगली हाथी को मेरे घर से निकाल दे बाहर, और तू भी बाहर निकल जा। अगर मेरे पति ने इसको देख लिया ना, तो तुम दोनों को एक साथ कुएं में फेंकवा देगा। अगर गणेश यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अरे वाह, आज साक्षात बिना मांगे ही अचानक मिठाई मेरे मुंह में ही पड़ गई। जय हो पापा, जय हो। कहीं जाती है तू? नहीं नहीं, जा कब रही है तू? मीठी माँ, उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कह रही है। ए चुप, ये लड़की और इसका ये जंगली हाथी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाएंगे, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जिसे इन्हें रोकने का शौक है ना, वो भी पीछे पीछे इनके साथ घर छोड़ के चला जाए। ए भाई को, मेरा गणेश आ गया, मेरी हेल्प करने आया है। इसी ने तो मुझे बचाया। बहुत बहादुर है मेरा भाई। किसने बचाया तेरे को? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये किसका बात करता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड कुछ तकलीफ में था क्या? अरे मैं पूछता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड तकलीफ में था? शकुबुआ ने ना, शकुबुआ देगी ना, चॉकलेट देगी तुझे। और तेरे गोलू भाई को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, वो बड़ा वाला स्पेशल चॉकलेट, याद है ना? बहुत पसंद करता है ना वो चॉकलेट। मैं देगी, बहुत सारा लाके देगी उसको चॉकलेट। चॉकलेट
पॉइजन चॉकलेट भी कब कब खा लेता है। यो बहना भाई, ये चॉकलेट बिगलेट का सब स्टोरी बाद में करने का। पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड ये बताएगा कि गणेश ने मेरा बेस्ट फ्रेंड को किससे बचाया। गिरने से। रुंधु अंकल, गणेश ने मुझे गिरने से बचाया। मैं सीढ़ियों से गिरने वाली थी ना, तो उसने मुझे गिरने से बचा लिया। ओ मेरा बेस्ट फ्रेंड, जरा संभल के चलने का। यो मेरा परिवार वालों, सब सुनने का कान खोल के। यो मेरा बेस्ट फ्रेंड और ये गणेश इधर ही चलेगा इसी घर में, आज के बाद और किधर चले जाएगा। वाह बापा, तेरा बहुत मेहरबानी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड को उसका भाई से मिला दिया। काश कि तू, मगर मुझे बहुत दुखी कर दिया है पापा। कितना सेवा करता है मैं तेरा, कितना पैसा लुटाता है मैं तेरा मूर्ति पे, और तू है ये कान बंद करके बैठा है, सुनता ही नहीं मेरा बात। अरे मैंने महेश कर्णिक मांगा था कि बाप बेटी को एक साथ मैं निपटा दूं, मगर क्या दिया मेरे को तू, ये 750 किलो का हाथी थमा दिया मेरे हाथ में। अब इसको भी मेरा घर में रखना पड़ेगा। यो मेरा बेस्ट फ्रेंड, अगदी टेंशन न को लेने का, आज से तू और तेरा भाई इधर ही चलेगा और ये घर का अंदर तेरा टोटल देखभाल होगा। और इस बात का जिम्मा मेरा होगा। मेरा मत बोले, आप कौन है, इधर का एको अस्त आया है, मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक पशु कल्याण संस्था की हेड हूं। जो जानवर बेजुबान और मासूम पे अत्याचार करते हैं, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाती हूँ। यही तो है जो मेरे गणेश को लेकर आई। आपका कोटि कोटि मेहरबानी जो आप मेरा बेस्ट फ्रेंड का मदद कर दिया। ये एहसान मैं भूलेगा नहीं। आप बोलते तो मैं आपको गाड़ी देता है आपका घर छोड़ने के लिए। कई को रात भूत हो गए ना, और तालमा का जानवर लोग बहुत डेंजर है, कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया, घर में खुद जा सकती हूँ। इससे पहले भी खतरनाक जानवर से पाला पड़ चुका है मेरा। और गणेश की प्रोटेक्शन भी करनी है, तो अब तो कुछ दिन मैं यहां रुकूंगी।